जहानाबाद में पहले से ही जिस व्यक्ति की चार पत्नियां उसका साथ छोड़कर चली गई, उसकी पांचवी पत्नी की संदेहास्पद स्थिति में मौत जिले में चर्चा का विषय बन गई है। मृत महिला के परिजनों ने उसके पति और घर वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना परसबीघा थाना क्षेत्र के घोसी गांव की है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय महेंद्र मांझी की पांचवी पत्नी शोभा देवी के रूप में की गई है। मायके वालों ने बताया कि एक साल पहले महेंद्र मांझी से उनकी बेटी शोभा की शादी हुई थी। शादी के बाद तो सब ठीक ठाक चल रहा था। शुक्रवार की सुबह सूचना मिली कि ससुराल वालों ने गला घोंटकर शोभा की हत्या कर दी है और शव को घर में छोड़कर ससुराल वाले फरार हो गए हैं। सूचना पुलिस को भी दी गई। मायके वालों का ससुराल वालों पर आरोप है हत्या करने का, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि बीती रात पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी। इसी से नाराज होकर शोभा ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिजनों ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस अधिकारी इस मामले पर फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते दिखे, लेकिन इतना जरूर कहा कि हर बिंदु पर गहन जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट गई है। बताया जा रहा है कि महिला के पति महेंद्र मांझी की ये पांचवीं शादी थी। इससे पहले भी महेंद्र मांझी की चार शादियां हो चुकी है और चारों पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इसके बाद उसने बीते वर्ष जिले के परैया थाना अंतर्गत रामपुर निवासी बिंदा मांझी की बेटी से छठी शादी की थी। वहीं महिला शोभा देवी, जिसकी मौत को लेकर हंगामा खड़ा हुआ है, ये उसकी भी दूसरी शादी थी। पुलिस हर बिंदु पर जांच पड़ताल कर रही है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। हुआ ऐसे ही बोला बोली कर रहे हैं। बस उतने भर मीटर था कि कहा कि तू जा थोड़ा हम अथी कर ले। आप कुछ नहीं सर, हम निकावे चल गए, आए देखे तो यहाँ तो अथी लग ले बरियरी कुमारी तो है और जिक से हमको तो होश है खबर नहीं। फांसी लगा लिया था सर घर में, हम देखे आके निकाल के देखे ना सर थोड़े बरियरी कुमारी तो हमारे वो दिमाग नहीं काम किया, खुद से नदम हुआ। आप सुखे अपने आप से लोड ही जाता सब पटक लिए सर पर सर। कहाँ शादी किया था? रामपुर कजरी रामपुर। क्या शादी किया था? हमारे भैया करवाए हैं। क्या शादी किया था अभी तक? क्या शादी किया है? पांच गो किए हैं बस। पांच गो, हाँ। बाकी चार पत्नी? चार पत्नी छोड़ गया अपने तो छोड़ चले गए। क्या नाम है तुम्हारा? महेंद्र मांझी। कहाँ से है? बनवा घोसी। कितना उम्र है? हुआ है मामला सर कि हमको 10 बजे फोन गया घर दिन में तो हम रही जालामन में तो मलकिनी धान की में तो कल के ऐसा ऐसा बात हो गया उससे फोन लो मैया रात मर गए सर। रात बहन से बतेलो भी है वो और फिर सुन चुके हम मरल हो। यहाँ आए तो क्या देखे? यहाँ आए तो क्या देखे? देखे कि सूतल है घर में सर युवा उड़ के। क्या लगता है आपको लगे की ढेरा में तो फांसी तरी है लगभग है लगा तो मतलब हत्या है? आप हत्या है क्या है? हत्या तो है सर। हत्या है कहे कारण क्या है? उन लोग ऐसा क्या होगा अब कह रहा घर में जाते तो सुने कि बाबू के पीवे मांगे थे ना देता तो ससुई ना पहुन में देता तू छीन ले था तू। कारण क्या होगा इसके पीछे? अगर पीछे पर नहूँ से सर लड़ाई हो वाली तो हम ही कहाँ जाने के लिए सर? घर फोन कर रहा बचिया ये देखो कपार फूट गया इसको खबरा खींचे में तो 5-5 हज़ार रुपये ला के दिए कि ना दिखलावो सुई दवा करावे। शादी किए सर? पर साल लगा सर आओ का पर जेठ असाढ़ बजे। आपकी बेटी भी दूसरी शादी थी? आपकी बेटी कैसी शादी थी? दूसरी थी। दूसरी थी। अढ़ाई तीन बजे फोन गया कि घोसी में आओ। हम घोसी गए तो
पता चला कि फांसी लगा के मर गया। बस अर्जन तो हत्या का आरोप लगा रहे हैं। हाँ तो ये अब ये दोनों आप अपना समझे, ये तो अब ये हमरों से पीछे आए हैं, ये तो पहले से। अब मौल नहर में कहा झगड़ा फगड़ा है, कहा है लगड़ा है, कहा अंदर के बाद 2-3 किलोमीटर के हमारा दूरी है। लड़का के शादी किया है, है? तो 5 को तो बाकी पत्नी सब के छोड़ दिया है, ये तो भाग गया है, ये तो है ही है। पांचवी पत्नी हाँ पत्नी की हाँ फांसी लगा के